अब हमने कोई अखबार में इश्तहार दिया क्वालिफिकेशन की, उसमें एक क्वालिफिकेशन थी कि 20 साल कम से कम तजर्बा होना चाहिए मीडिया वीडिया का या किस, या उसमें हमने कोई 160 से ऊपर दरख्वास्तें हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया, बिल आखिर उसको मज़ीद किया, फिर उन सब के इंटरव्यू किए आखिर में कोई 50-60 लोगों के, पूरा सारा दिन हम बैठे इंटरव्यू करते रहे और फिर कंसेंसस से अलग अलग नंबर लगाए सब ने और इनका नाम सबसे आगे आया सलीम बेग साहब का, उसके बाद आया असलम अली साहब जो ये पीपीआई के जो हेड हैं पाकिस्तान प्रेस कॉर्पोरेशन के, और तीसरे साहब थे कामरान अली। अब ये तीनों नाम जो हैं ये पूरी प्रोसेस से गुजर के आए और इसके पीछे ये चीफ जस्टिस की ये सोच शामिल थी कि पेमरा के जो मामलात हैं वो जब बगैर चेयरमैन के वो उसमें मुतलक, इट हैज़ टू हैव अ चेयरमैन अंडर द एंटिटी अथॉरिटी, तो इसी बेसिस पे हमने इनका नाम वहाँ भेजा। अब इलेक्शन कमीशन में ने उसके बारे में ये कहा, लेकिन उनको इसकी नज़रसानी इसलिए करनी पड़ेगी कि ये CJP का इनिशिएटिव था, ये हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं था कि उन्होंने आखिरी दमों पे हुकूमत के उन्होंने कहा यार ये चेयरमैन पेमरा अपना अनाउंस कर दो, ऐसा नहीं था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि क्योंकि इसको PIO है तो उससे ये तासर ज़रूर मिला। अब टाइमिंग ऐसी थी कि CJP साहब बाहर चले गए, लेकिन वो यहाँ होते भी तो 25 तारीख का इसका डेडलाइन थी 25वें की, जो हमने 21वें को ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। तो मेरा तो ख्याल है ये मेरिट पे हुआ है और इसको बाकी जो अपॉइंटमेंट्स कंट्रोवर्शियल हैं उनसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है।